रहे, दोनों दिन आपके बहुत मंगलमय बीतने वाले हैं कि चंद्रदेव आपके जो है सो उत्तम फल देने वाले हैं। तो 9 और 10 ठीक है, और 11 और 12 तारीख को यही चंद्रमा जब तृतीय धन संपत्ति चतुर्थे कलहागमा चतुर्थ हो जाएंगे, उस समय आपको कलह का आदि वातावरण बनेगा, आप मन आपका मन खिन्न रहेगा और आपको परेशानी मानसिक रूप से होगी, शारीरिक रूप से तो नहीं लेकिन व्यवहारिक रूप से परेशानी आ सकती है, किसी से विवाद हो सकता है, उसे सावधान रहना है, मन दिन ठीक नहीं है। उसके बाद 13 और 14 तारीख आपको बहुत मंगलमय दीपावली उत्सव मनाएंगे, क्योंकि उस समय आपका जो चंद्रमा है सप्तपंच में ज्ञान वृद्धि विवेक होगा, धार्मिक मन लगेगा, धार्मिक कार्य करने में प्रशंसा होगी, अनेक प्रकार से सुख शांति समृद्धि का दिन बीतेगा। इस प्रकार से आपका चंद्रदेव बताया, और सूर्यदेव आपकी राशि कर्क से कर्क सिंह कन्या तुला चौथे हैं, चतुर्थ सूर्य है तो कलहकारी वातावरण बनाएंगे, गवर्नमेंट से संबंध को विवाद स्थिति निर्मित हो सकती है, नीच राशि के सूर्य आपके सुख में बाधा पहुंचाने वाले हैं, माता को खास करके कष्टदायक बनेंगे और पिता के लिए भी ठीक नहीं है, माता पिता के लिए चंद्रमा पिता का कारक ग्रह होता है, वो नीच राशि का होता है, इसलिए पिता से वैमनस्यता आ सकती है, इस प्रकार के सूर्यदेव आपके लिए ठीक नहीं है इस सप्ताह में। और गुरुदेव आपकी राशि जो आपकी राशि कर्क है, कर्क राशि से गुरुदेव आपके कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक और धनु छठ में चल रहे हैं, छठ में जब गुरु होंगे तो छठ में गुरु आपको मंगल कार्य में यात्रा कराएंगे, मंगल कार्यों में खर्च कराएंगे, एक प्रकार की सुख सुविधाओं देंगे, और साथ साथ में आपके यही गुरुदेव जैसो स्थाई प्रॉपर्टी बनाने वाले रहेंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई नया लेन देन होगा उसमें आपको सफलता मिलेगी और परिजनों का पूरा सहयोग मिला, भरपूर सहयोग कारक बनेंगे, और साथ साथ में यही गुरुदेव जो सो आपके जो है सो एकादश भाव में बैठ करके यहाँ से पंचम दृष्टि से जो है सो बारहवें भाव को देख रहे हैं, उत्तम फलदायक रहेंगे, सुख संपत्ति के लिए भी ठीक हैं। इस प्रकार से चंद्रदेव भी आपके मनोकामना मतलब ये गुरुदेव अच्छा कार्य कराने वाले हैं, और शनिदेव आपकी राशि कर्क से साथ में चल रहे हैं, अब बकरी हैं मार्गी हैं, इसलिए सप्तम जब शनि जाते हैं तो पत्नी की सुख सुविधाएँ प्राप्त होती है, पत्नी की पूर्ति करेंगे, जिनका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह का योग बना देंगे, दैनिक आय की गति को बढ़ा देंगे, लेकिन भाग्य का विनाश करने वाले हैं, भाग्य में थोड़ी परेशानी कर जाएंगे, चोट चपेट पहुँचाए लगा हुआ जहाँ भाग्य है वहाँ पर आग लग जाएगी, इस प्रकार से जहाँ लगा भाग वहीं लगी आग, इस प्रकार से बाधा आ सकती है, और शनिदेव आपके लिए जो तीसरी दृष्टि से ठीक नहीं देख रहे इस प्रकार से, और दशम दृष्टि से यही चंद्र जो सो आपकी कर्क राशि से व्यय स्थान को देख रहे हैं, शरीर स्थान को देख रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सावधान रहना है। इस प्रकार से शनिदेव का प्रभाव दिखाया, और राहु देव आपकी राशि से एकादशे सर्वलाभम सब प्रकार से लाभदायक सिद्ध होंगे, राहु आपकी राशि से 11वें होने से अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है, अचानक आपको पैसे का लाभ हो, धन का लाभ हो, वस्तु का लाभ हो, व्यक्ति का लाभ हो, कुछ न कुछ अच्छाई का योग आपको दिखने लगेगा, इस प्रकार पूरा सप्ताह लाभ की दृष्टि से अचानक होने वाले लाभ से आपको प्रसन्न रहना चाहिए, इस प्रकार से राहु का कार्य भी अच्छा होने वाला है। इस पर मंगल कामना करता हूँ, आपका सप्ताह मंगलमय बीते इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटर कास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास, आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से, अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।